भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह कार्यक्रम यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 4 जिलों में आयोजित किया जाएगा। हम लखनऊ की बात करें तो आप देख सकते हैं मॉन्यूमेंट्स बड़े इमाम बाड़ा के साथ साथ यहाँ की दीवारों को भी पेंटिंग द्वारा सुसज्जित किया जा रहा है। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा G20 के लिए पूरा शहर संवारा जा रहा है, तो आइए हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं आर्टिस्ट जो ये वॉल पेंटिंग को करा रहे हैं। सब बताइए G20 के लिए ये भी जो पेंटिंग्स वगैरह कराई जा रही हैं किसके द्वारा हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमसे ये बोला गया बनाने के लिए। G20 वगैरह की जो भी है तैयारी चल रही है पूरे लखनऊ में, हर जगह पेंटिंग हो रही है। बाकी ये इससे है, ये है कि पेंटिंग बनाना हमारे हेरिटेज से रिलेटेड जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनाए रखे हम तो इसका ये मैसेज मिलता है कि हमारी जो ये धरोहर है इसको हमें कैसे अच्छे से रखना है। तो इसकी तैयारियां लगभग पूरे लखनऊ शहर में हो रही होंगी? हाँ जी 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 बिल्कुल, ये जो पेंटिंग बन रही है पूरे स्कूल मतलब लखनऊ में पूरी बन रही है हर जगह जगह। आप 1090 के पास में देखिए जाके अम्बेडकर मैदान के बगल में, वहाँ पर भी पूरा पेंटिंग हर जगह बनी हुई है। आप ये डालीगंज पुल वगैरह देख लीजिए, कहीं भी आप देखें लखनऊ के हर कोने में पेंटिंग बन रही है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ही हो रहा है, इसका पर्पज़ तो यही होगा? जी प्रयास बिल्कुल यही है, और उसी उद्देश्य से लेकर के या दूसरी और भी चीज़ें हैं कि जो लखनऊ की कलाकृति है या जिस समय इन चीज़ों को बनाया गया है, हालांकि वैसा तो हूबहू आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनको लगातार स्थायी रूप से रखने के लिए कि कुछ लोग गेट देख रहे हैं, कुछ लोग दीवार भी देख रहे हैं, तो इसकी जो कलाकृति है या संस्कृति है इससे जो आने वाले बाहर के हमारे लोग हैं वो इससे हमेशा वाकिफ रहें और ये सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये सुरक्षित रहे। जैसे कि इस समय इमामबाड़ा में काम चल रहा है, दीवारों पर काम चल रहा है, तो हमारे लखनऊ को सजाने का पूरा प्रयास चल रहा है सरकार का, और ये प्रयास हो सकता है कि बहुत अच्छा और सार्थक रहे। धन्यवाद।